मैं रमेश योगन नाउ न्यूज इंडिया की तरफ से आज हम पहुंचे गांव गुमरखा कला मंत्री वीरेंद्र सिंह के गांव में, जहां पर सरपंच के अनेकों कैंडिडेट खड़े जिनके अंदर जोरदार घमासान है। सतीश जी, पिछले चुनाव के अंदर पूरे परिवार संदोखा परिवार के द्वारा नॉमिनेट किए हुए सरपंच थे, किसी वजह से पीछे इनके परिवार के साथ मिसहैपनिंग होने की वजह से ये इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। दोबारा से पोलू परिवार, मुगला परिवार और बैज परिवार ने मिलके इनको सर्वसम्मत गांव के सरपंच के लिए चुना है, और चुनने की वजह ये भी रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि गांव में खड़े थे, वे किसको वोट दें किसको ना दें उससे बचने के लिए इन्होंने अपना खुद का नॉमिनेशन किया, ताकि किसी का बुरा नाम ना के अपना वोट खुद डाला जाए। तो सतीश जी मेरे साथ हैं, मैं जानना चाहूंगा क्यों सतीश जी, जिस तरीके से अपनी बात चली है यहाँ पे, क्या वजह यही रही है कि आपने मतलब इस चीज से बचने के लिए और पहले आपको नॉमिनेट किया था इसलिए आपने किया, या कोई वजह और है? नहीं जी, गांव का भाईचारे को कायम करने के लिए और जो पारिवारिक विवाद जो चले हुए हैं, फूट जो चली हुई है, उसको एक करने के लिए हमने अपने आप को नॉमिनेट किया और परिवारों ने मेरा सहयोग किया इस बात के लिए। मैं इसके लिए मेरे तीनों परिवारों का धन्यवाद करता हूँ। तो सतीश जी, जैसे कि हर कैंडिडेट अपना अलग अलग वादे मतलब लोगों से अलग अलग प्रलोभन मतलब जिस तरीके से दे रहा है, तो ऐसे पांच कौन से काम है जो आप गांव के लिए करना चाहेंगे? ऐसे पांच काम। देखो जी, कोई भी पंचायत जब कोई सरपंच गांव चुनता है तो उसके जो भी काम हो वो सार्वजनिक गांव के हित के काम होने चाहिए। इसमें सबसे मेन समस्या जो है मेरे गांव में पानी की है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां तक पानी की बड़ी समस्या चली हुई है, पानी नहीं पहुंचता। दूसरा, जो भी सार्वजनिक स्थान है गांव के अंदर, गांव की चौपाल है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, इनकी भी रिपेयर और मरम्मत के जो भी काम है, गांव का साझा काम है, इसको करने की प्राथमिकता रहे। और एक सीसीटीवी के ऊपर भी फोकस रहे, क्योंकि गांव के अंदर आने वाले कुछ टाइम में, पीछे के समय में काफ़ी सारी चोरी की घटनाएं, पशुओं को चोरी, गांव में आवारा लोगों का घूमना, ऐसे असामाजिक तत्व जो कुछ छुटमुट घटनाएं कर देते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए पंचायत की तरफ से सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान किया जाना चाहिए। और एक नशे के ऊपर, आज के युवा काफ़ी नशे की चपेट में आ चुके हैं, और गांव की पंचायत का, गांव के माननीय व्यक्तियों का ये निर्णय होना चाहिए कि गांव के अंदर नशे को पाबंद किया जाए, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, नए युवा को और बुजुर्गों को सबको मिलके जागरूक करें और इस अभियान को तेज करेगा। और स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जितना गांव की पंचायत सहयोग कर सकती है, उसके ऊपर भी गांव का जो भी कैंडिडेट सरपंच पद चुना जाए वो इसको भी ख्याल रखे। हमारे साथ में और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे पास में बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार इस साइड करना जी कैमरा। हाँ जी नमस्कार। चलो कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे आप इलेक्शन को देख रहे हो, आगे की आगे क्या लग रहा है अपना, सतीश जी का इलेक्शन कैसा चल रहा है? हाँ जी, आप भी जैसे देख रहे हो दिन प्रतिदिन, जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आ रहा है, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा इलेक्शन चल रहा है और भारी मतों से सतीश जी जीते हैं। बहुत बढ़िया। और साथी बैठे हैं यहाँ पे, हाँ जी क्या नाम आपका? सोनू जी। हाँ सोनू, कैसा लग रहा है इलेक्शन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है सतीश की तरफ। एक साथी और बैठे हैं, क्या नाम आपका? शत्रुघ्न। हाँ शत्रुघ्न जी, कैसा लग रहा है आपको इलेक्शन? अच्छा लग रहा है इलेक्शन में सतीश की जीत। हमारे साथ में और भी, हाँ जी आपका क्या कहना है इस इलेक्शन के बारे में? ठीक चल रहा है जनाब, बढ़िया। जिस तरीके से सभी साथियों में जोश है, उत्साह है, आप जैसे लगातार आप चले हुए गांव के अंदर, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा सतीश जी जानना चाहूंगा, आपने जैसे माहौल देखा, तो एक कोई क्या क्या लगता है आपको अब तक का जो रुझान है, क्या लग रहा है मतलब आपको सतीश जी की जुबान में? देखो सर, सब जितने भी कैंडिडेट गांव के अंदर खड़े हैं, सबका अधिकार है वोट मांगने का, और गांव का भी अधिकार है अपने प्रतिनिधि जिसको भी वो चाहते हैं अच्छे से विचार करें, सोचें उसके ऊपर, फिर वोट डालें। और एक संदेश मेरा गांव में जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनसे यही संदेश है, जो ये दारू बांटने वाली जो प्रक्रिया गांव के अंदर चलाई गई है, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि घरों के अंदर कलेश जगाने का सबसे पहला कारण है पंचायत चुनाव के अंदर दारू का ऐसे विपरीत करना। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर रोक लगे, सभी पंचायत इसके ऊपर फैसला करें।
बिल्कुल सतीश भाई ने बिल्कुल बढ़िया बात कही कि इलेक्शन के टाइम में दारू पीने वाले तो हो सकता खुश हो, लेकिन सभी परिवारों में कलेश की जड़ आज इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन वाले लोग ज्यादातर आज के टाइम में शराब नशा का जो प्रलोभन जो लोगों को देते हैं वो बिल्कुल गलत है सर्वथा। और क्या मैं सतीश जी से जानना चाहूंगा, आपने इस तरीके को कोई शुरुआत? नहीं जी, देखो सबसे पहले तो मैं मेरे गांव के सभी लोगों को बता दूं कि हमारे तो परिवार का नाम है वैद्य परिवार है, और हमने तो फार्म भरते इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम आयुर्वेदिक इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, ये थे सतीश जी हमारे साथ में, और जैसा कि मैसेज दिया है कि भाई दारू दप्पा से सब दूर है, नशे पते से दूर है, और हम भी एक निवेदन करना चाहेंगे नाउ न्यूज इंडिया की तरफ से, भाई देखो इलेक्शन थोड़े दिन की चीज है, सभी लोगों को अपना भाईचारा बना के रखना है, किसी के ऊपर प्रेशर दबाव ना डाल के हर आदमी को शांति प्रिय ढंग से इलेक्शन लड़ना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।